हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के साप्ताहिक करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 11 से 20 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। ये दोस्तों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है। 40 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उनके बारे में भी आपको बताया गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो पहला क्वेश्चन है, बरेदी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले शख्स का हाल ही में निधन हुआ, ये कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है चूरामन यादव। इनका नाम है चूरामन यादव, जिन्होंने बरेदी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। दोस्तों आपको बता दें, 2002 में राजपथ परेड में इन्होंने नंबर वन स्थान हासिल किया था पूरे भारत में। तो ये आपको याद रखना है, इनका नाम है चूरामन यादव, जो हाल ही में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कितने ऐप्स पर बैन किया गया है? तो कुल 89 यानी 89 ऐप को भारतीय सेना के द्वारा बैन किया गया है। दोस्तों इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्रूकॉलर जैसे 89 ऐप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JLL द्वारा जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का 34वां स्थान है, यानी 34th स्थान है भारत का ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में। दोस्तों आपको बता दें, ये रैंकिंग JLL द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु वीडियो प्रारूप रील लॉन्च करने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के द्वारा लघु वीडियो प्रारूप रील लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे यानी 15 सेकंड तक की वीडियो रील के माध्यम से डाल सकते हैं। अब बात आई है इंस्टाग्राम की, तो आपको इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें। इंस्टाग्राम को रिलीज किया गया था 6 अक्टूबर 2010 को। इसका डेवलपर जो अभी प्रेजेंट में वह फेसबुक है, और इसके ओरिजिनल ऑथर थे केविन स्टेंथ्रोम और माइक, ये दोनों इंस्टाग्राम के ओरिजिनल ऑथर थे। तो आपको इतना इंस्टाग्राम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के न्यूज चैनलों पर बैन लगाया है? तो ये देश है नेपाल। हाल ही में नेपाल में भारत के सभी जितने भी प्राइवेट न्यूज चैनल थे उन पर बैन लगाया गया है, सिर्फ दूरदर्शन को छोड़कर। दोस्तों बात आई है नेपाल की, तो आपको मैप में नेपाल के बारे में बता। दोस्तों मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये है नेपाल। नेपाल का जो भावार्थ यानी मोटो है, तो वह जननी जन्मभूमि स्वर्गदापी गरियसी है। राजधानी यानी कैपिटल काठमांडू है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वह विद्या देवी भंडारी हैं। प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली हैं। और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया, यानी करेंसी नेपाली रुपया है। तो इतना आपको नेपाल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स अरबपति की लिस्ट में मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है? तो फोर्ब्स की जो अरबपति की लिस्ट है उसमें मुकेश अंबानी को 7वां स्थान दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 70.1 अरब डॉलर पहुंच गई है। एशिया के दोस्तों ये एकमात्र एशिया के व्यक्ति हैं जो टॉप 10 में शामिल है। वहीं अगर बात करें पहले स्थान की, तो जेफ बेजोस अमेज़न को पहला स्थान दिया गया है, और दूसरा स्थान बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें, इसकी शुरुआत 1989 में यूएन के द्वारा की गई थी। वर्तमान में दुनिया की कुल जनसंख्या 776 करोड़ है, वहीं भारत की जनसंख्या 138 करोड़ 3 लाख पहुंच गई है। तो ये एक गंभीर समस्या है दोस्तों भारत के लिए, इसके साथ साथ दुनिया के लिए जनसंख्या बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 750 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। 2.97 रुपए प्रति यूनिट की रूप में बिजली को बेचा जाएगा। 1570 हेक्टेयर में यह प्रोजेक्ट फैला है। इसकी कुल लागत 4000 करोड़ रुपए आई है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे इस प्लांट के बारे में, आपको याद रखना है, ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। दोस्तों बात आई है रीवा की, तो आपको इसकी लोकेशन मध्य प्रदेश के मैप में बता दें। मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये है रीवा। रीवा के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो सफेद शेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है।
सुपारी के खिलौने बनाए जाते हैं रीवा में। राजा रामचंद्र के दरबार में तानसेन थे और ये राजा रामचंद्र रीवा के ही राजा थे। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैन्य स्कूल रीवा में ही है। प्रदेश का सबसे ऊंचा प्रपात जिसे चचाई जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, यह भी रीवा में ही स्थित है। महामृत्युंजय मेला भी रीवा में ही लगता है और त्योंथर पुरातात्विक स्थल भी रीवा में ही स्थित है। आम अनुसंधान केंद्र को रीवा में ही बनाया गया है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे रीवा के बारे में, आपको याद रखने हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार युद्ध अभ्यास में हाल ही में किसे जोड़ा गया है? जिसका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को मालाबार युद्ध अभ्यास में हाल ही में जोड़ा गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यह एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, यानी मालाबार युद्ध अभ्यास नौसैनिक युद्ध अभ्यास है और 1992 में इसकी शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच की गई थी। 2015 में इसमें जापान को शामिल किया गया था और अब 2020 में ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया है। बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो आपको मैप में इसकी लोकेशन के बारे में बता दें। दोस्तों मैप में आप देख पा रहे होंगे ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ के सम्राट है एलिजाबेथ द्वितीय। गवर्नर जनरल है डेविड हार्ले। प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। वहीं ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इतना आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मुश्ताक अहमद को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें हॉकी इंडिया को इसका फाउंडेशन यानी फाउंडेड 2009 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो इतना आपको हॉकी इंडिया के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार सेतु के अंतर्गत 24,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को नौकरी किस राज्य ने दी है? जिसका सही ऑप्शन है हमारे मध्य प्रदेश। हमारे मध्य प्रदेश में अब तक रोजगार सेतु के अंतर्गत 24,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को नौकरी दी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मास्क ना पहनने पर रोको टोको अभियान की शुरुआत हुई है? तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के दौरान मास्क ना पहनने पर रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत ने किस देश से 100 रॉकेट विमान खरीदा है? तो इसका सही ऑप्शन है अमेरिका और इसराइल। इन दोनों देशों से भारत ने 100 रॉकेट खरीदे हैं। दोस्तों आप फोटो में देख पा रहे होंगे ये कुछ इस तरीके से होते हैं रॉकेट जिन्हें हाल ही में भारत खरीदेगा अमेरिका और इसराइल से। अमेरिका से RQ-11 रावण खरीदेगा और इसराइल से फायरफ्लाई लोइटरिंग मोनिटिंग मोनिशंग खरीदेगा। बात आई है अमेरिका की, तो मैप में आपको इसके बारे में बता दें। दोस्तों मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की मुद्रा है US डॉलर और डेजर्ट है यहाँ पर ग्रेट वेस्टर्न डेजर्ट, सेमोरिन डेजर्ट और मोजेब डेजर्ट। यहाँ की बात करें झीलों की तो सुपीरियर झील, हुरन झील, मिशिगन झील, ग्रेट स्लैब लेक, ये यहाँ की कुछ इंपोर्टेंट लेक हैं, आपको याद रखने हैं, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है। बात करते हैं इसराइल की, तो इसराइल की राजधानी है जेरूशलम। यहाँ के राष्ट्रपति हैं राउविन रेवलैंड। बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं और करेंसी है न्यू शकील। मैप में आप इसकी लोकेशन देख पा होंगे ये है इसराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी अगले 5 साल में भारत में 75,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी? जिसका सही ऑप्शन है गूगल। गूगल अगले 5 साल में भारत में 75,000 रुपए खर्च करेगा। दोस्तों बात आई है गूगल की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट गूगल के बारे में बता दें। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में की गई थी। इसके फाउंडर थे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। अभी जो प्रेजेंट में CEO हैं वह सुंदर पिचाई हैं जो भारत के हैं और इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट गूगल के बारे में आपको याद रखने हैं और ये अगले 5 साल भारत में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ताओं के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हैं भारत के के सिवान। भारत के के सिवान को वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ताओं के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों सबसे पहले आपको वॉन कर्मन पुरस्कार के बारे में बता दें, तो ये पुरस्कार इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी IAA के द्वारा दिया जाता है। इसके स्थापनाकर्ता वॉन कर्मन खुद थे और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, यानी इस पुरस्कार की स्थापना 1982 में की गई थी। अब बात करते हैं के सिवान की, तो दोस्तों के सिवान का पूरा नाम कैलाश दिबू सिवान है और ये इसरो के हेड हैं। तो इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के क्रियान्वयन में सबसे ऊपर है? तो हमारा मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के क्रियान्वयन में सबसे ऊपर है। दोस्तों आपको बता दें 15,500 स्ट्रीट वेंडरों को लगभग 15.50 करोड़ रुपए का ब्याज मुफ्त ऋण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में हेमंग अमीन को कहां का सीईओ चुना गया है? जिसका सही ऑप्शन है बीसीसीआई। बीसीसीआई का सीईओ हेमंग अमीन को बनाया गया है। इन्हें राहुल जौहरी की जगह सीईओ बनाया गया है। दोस्तों बात आई है बीसीसीआई की, तो आपको इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष अभी हाल ही में सौरभ गांगुली है। तो आपको इतना बीसीसीआई के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का 53वां बागली जिला किस जिले से अलग करके बनाया जाएगा? जिसका सही ऑप्शन है देवास। मध्य प्रदेश में 53वां जिला बनाया जा रहा है जिसका नाम बागली है और यह देवास जिले से अलग करके बनाया जाएगा। दोस्तों इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं कुछ ही एक दो दिन में आप तक पहुंचाने वाला हूं। बात करते हैं देवास की, तो मैप में इसकी लोकेशन के बारे में आपको बता, मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है देवास जिला। देवास के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है जिलों की कलाओं का घर कहा जाता है। प्रदेश की सर्वाधिक पवन चक्कियां जमगोदरी में स्थित है और यह देवास में ही स्थित है। देवास में बैंक नोट प्रेस कारखाना 1969 यानी 1969 में लगाया गया था। प्रथम बायोडीजल जिला घोषित किया गया है देवास को। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में ही है। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला थाना देवास में ही है। तो इतना आपको देवास की कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल द्वारा जियो में कितने रुपए का निवेश किया जाएगा? तो कुल 30,000 करोड़ रुपए का निवेश गूगल के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि गूगल भारत में करेगा 70,000 करोड़ रुपए निवेश और वहीं जो जियो एक प्राइवेट कंपनी है उसमें 30,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग अनुसार करोड़पति लिस्ट में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है? तो मुकेश अंबानी का 6th स्थान है ब्लूमबर्ग करोड़पति की लिस्ट में। दोस्तों आपको बता दें इनकी नेटवर्थ 72.4 अरब डॉलर ब्लूमबर्ग के द्वारा बताई गई है। ये एक एशिया के इकलौते टॉप 10 में रहने वाले व्यक्ति हैं। आपको बता दें इससे पहले फोर्ब्स के बारे में बात की थी और अब ये ब्लूमबर्ग की करोड़पति लिस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये दोनों इंडेक्स अलग अलग आती हैं, आपको इन दोनों के बारे में अलग अलग ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही ऑप्शन है 14 जुलाई यानी 14 जुलाई को फ्रांस में नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। बताइए फ्रांस की, तो मैप में आपको इसके इंपोर्टेंट फैक्ट और लोकेशन के बारे में बता दें। दोस्तों मैप में आप देख पा रहे होंगे यूरोप का एक देश है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन, प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टेक्स और यहाँ की मुद्रा है यूरो। इसके अलावा CFP फ्रैंक फ्रांस की मुद्रा है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको इसके बारे में याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में S विश्वनाथन को किस जिले के कलेक्टर पद से हटाया गया है? जिसका सही ऑप्शन है गुना। गुना जिले के कलेक्टर पद से S विश्वनाथन को हाल ही में हटाया गया है। बात करते हैं गुना की, तो आपको इसके इंपोर्टेंट फैक्ट और लोकेशन के बारे में बता, आप देख पा रहे होंगे ये है गुना मध्य प्रदेश के मैप में। गुना के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की चर्चा करें तो विजयपुर में भू उपग्रह संचार अन्वेषण केंद्र है। नेशनल फर्टिलाइजर केंद्र भी विजयपुर में ही है जो गुना में स्थित है। मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार गुना को कहा जाता है। बजरंगगढ़ का किला और 20 भुज मंदिर दर्शनीय है जो गुना में है और तेजाजी का मेला भी गुना में ही लगाया जाता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे आप गुना के बारे में आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में अशोकनगर के कलेक्टर पद के लिए किसे चुना गया है? जिसका सही ऑप्शन है अभय कुमार वर्मा को अशोकनगर के कलेक्टर पद के लिए चुना गया है। दोस्तों बात करते हैं अशोकनगर की, तो मैप में आपको इसकी लोकेशन के बारे में बता दें। मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है अशोकनगर। अशोकनगर के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो प्रदेश की पहली एकमात्र खुली जेल मुगावली में स्थित है। मुगावली अशोकनगर की एक तहसील है। हाथ से बुनी साड़ियों का उद्योग के लिए चंदेरी प्रसिद्ध है। चंदेरी मखमल उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। चंदेरी की साड़ी का पेटेंट करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको अशोकनगर के बारे में याद रखने हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्किन बॉन्ड की पुस्तक का नाम क्या है? तो आ सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की पुस्तक का नाम है। दोस्तों आपको कुछ ये इंपोर्टेंट बुक्स दिख रहे होंगे उनके बारे में बता दें। तो ग्लैम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये दोनों जवाहरलाल नेहरू की बुक हैं और आई डू वॉट आई डू ये हमारे जो रघुराम राजन है RBI के पूर्व गवर्नर उनकी बुक है और इसके अलावा रस्किन बॉन्ड की बुक का नाम है आ सॉन्ग ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अशोक मेहता को किस बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो ये है एडीबी बैंक का। हाल ही में भारत के अशोक मेहता को एडीबी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। बात करते हैं एडीबी की, तो आपको इसके बारे में बता दें दोस्तों, एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, यानी एशियाई विकास बैंक होता है। इसका जो गठन या फॉर्मेशन है वह 19 दिसंबर 1966 में किया गया था। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। कुल 68 देश सदस्य देश हैं इसके, और हाल ही में जो राष्ट्र यानी अध्यक्ष हैं इस बैंक के, तो वह मुत्सुकु असाकावा हैं, जो 17 जनवरी 2020 से हैं। तो आपको इतना एशियन बैंक के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन बगान रत्न के लिए किसे चुना गया है? तो गुलबख्श शह और पलाश नंदी को हाल ही में मोहन बगान रत्न के लिए चुना गया है। दोस्तों ये दोनों हॉकी के महान खिलाड़ी हैं, और मोहन बगान रत्न यह 29 जुलाई को इन्हीं के जन्मदिन पर दिया जाता है। तो गुलबख्श सिंह और पलाश नंदी को मोहन बगान रत्न 29 जुलाई को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी में डॉल्फिन की संख्या में कमी देखी गई है? तो ये है चंबल। मध्य प्रदेश की चंबल नदी में डॉल्फिन की संख्या में कमी देखी गई है। दोस्तों आपको बता दें, चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय यूनियन का कौन सा समिट का आयोजन हाल ही में किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है 15वें। भारत और यूरोपीय यूनियन के 15वें समिट का आयोजन 2020 में किया गया है। दोस्तों इससे पहले 2017 में 14वें समिट का आयोजन किया गया था। दोस्तों ये समिट वर्चुअल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस बार इसकी थीम थी स्किल फॉर अ रेसिडेंट यूथ। ये इस बार इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और चीन के द्वारा आजत पट्टन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? जिसका सही ऑप्शन है झेलम नदी पर। पाकिस्तान और चीन के द्वारा आजत पट्टन जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर बनाई जा रही है। दोस्तों ये पीओके में बनाई जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, यह 7000 मेगावाट की क्षमता उत्पन्न कर सकती है, यानी इतनी क्षमता की बिजली उत्पन्न कर सकती है यह परियोजना। लेकिन दोस्तों आपको ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, भारत के द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई है और अभी ये योजना शुरू नहीं हुई है। बात आई है पाकिस्तान की, तो आपको मैप में इसकी लोकेशन के बारे में बता दें। मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, राष्ट्रपति आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और स्वतंत्रता 14 अगस्त 1947 को मिली थी। हमसे एक दिन पहले पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली थी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे पाकिस्तान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ब्रेटली को स्पोर्ट अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। दोस्तों आपको बता दें, स्पोर्ट अड्डा एक ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की 11 से 20 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। इसी तरह की और वीडियो से आप हमसे जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारजन के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी नॉलेज गेन हो सके। इसके अलावा आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं, तो ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर डे 3 से 4 क्विज मैं रोज डालता हूं, तो वहां भी जुड़िए और उनको इसको अटेंड कीजिए। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन वहां से निकलते हैं। दोस्तों इसके अलावा और भी आप हमें अगर कहीं पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, तो ये मेरी Gmail ID है, यहां पर आप हमें मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।